झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की गुरुवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया। खबरों के मुताबिक फिलहाल उनकी तबीयत ठीक बनी हुई है। दरअसल दीपक प्रकाश को सीवियर हार्ट अटैक आया था, इसके बाद उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया। डॉक्टर लगातार उनकी देखभाल में लगे हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिम्स निदेशक को फोन कर दीपक प्रकाश का हाल जाना है और उनके बेहतर इलाज का निर्देश भी दिया है। खबरों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और सीएम हेमंत सोरेन खुद रिम्स पहुंचे हैं। आपको बता दें कि दीपक ने करियर की शुरुआत एबीवीपी से की थी। 2000 में जब झारखंड राज्य अलग हुआ तो मुख्यमंत्री बाबूलाल के कार्यकाल में झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन बनाए गए। जब बाबूलाल ने बीजेपी छोड़ी और झाविमो बनाया तो दीपक प्रकाश उनके साथ चले गए थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने बीजेपी में वापसी कर ली थी। फिलहाल दीपक प्रकाश झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और झारखंड की 2 में से 1 सीट के लिए बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। न्यूज डेस्क।